नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का त्योहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर समाप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म में भाई दूज का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हम इसे यम द्वितीया, भाई टीका या भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। आइए जान लेते हैं कि किस तारीख को भाई दूज मनाना शुभ रहेगा। जैसा कि 26 अक्टूबर को द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जा रही है, परंतु उदया तिथि की बात करें, सूर्योदय कालीन तिथि की बात करें, तो यह 27 तारीख को द्वितीय लग रही है। उदय तिथि होने के कारण 27 तारीख को पूरे दिन द्वितीय मान्य रहेगी और इसी दिन भाई दूज मनाना, इस त्योहार को मनाना शुभ रहेगा। आइए जान लेते हैं कि किस समय में भाई को टीका लगाना और मिठाई खिलाना, भोजन कराना शुभ रहेगा, इसका सही समय क्या है। दोस्तों, 27 तारीख को दिन गुरुवार है। इस दिन शुभ मुहूर्त भाई दूज का सुबह 10:30 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक रहने वाला है। यदि कोई भाई इस शुभ मुहूर्त में अपनी बहन से तिलक नहीं करवा पाता है तो शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का भी मुहूर्त बहुत ही शुभ है। इस समय में भी बहन अपने भाई को टीका कर सकती है। तो इस प्रकार 27 तारीख को भाई दूज का त्योहार मनाना अत्यंत ही शुभ होगा। आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से भाई दूज के दिन इस पर्व को हम मनाएं। भाई दूज के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके नए वस्त्र बहन और भाई दोनों धारण कर लें। उसके बाद बहन भाई को एक आसन पर बिठाकर थाल में सिंदूर, चंदन, फल फूल, सुपारी, मिठाई आदि सजाकर भाई को तिलक करें। भाई के सर पर कुछ रुमाल या कोई वस्त्र अवश्य ही होना चाहिए और इस दिन चावल के मिश्रण से चौक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में बहन अपने भाई को तिलक करें और उन्हें मिठाई आदि खिलाएं। भाई दूज का जो मुख्य प्रसाद होता है वह चावल का फरा अवश्य ही बनता है। बहुत सी जगहों पे ऐसा किया जाता है। यदि आपके यहाँ कोई अन्य पकवान बनता हो तो आप उसे अवश्य बनाए, लेकिन चावल के फरे का बहुत ही महत्व होता है। यह चावल का फरा बहन अपने हाथों से बनाकर अपने भाई को खिलाती हैं। बहन अपने भाई के मंगल जीवन की कामना करती हैं और यह मान्यता है कि यमराज इस दिन सभी बहनों को यह आशीर्वाद देते हैं कि जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी और उनका पूजन करेगी उन्हें लंबी आयु का वरदान मिलेगा और भाई के सभी संकट दूर रहेंगे। बहन इस प्रकार इसी कामना से अपने भाई को तिलक करती हैं और मिठाई आदि खिलाती हैं। साथ ही साथ भाई भी अपने बहन को उपहार स्वरूप शगुन के रूप में कुछ न कुछ उपहार अवश्य ही देते हैं। इस प्रकार हमारे धर्म में भाई दूज का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और भाई और बहन के परस्पर प्रेम का यह त्योहार इस तरह से मनाया जाता है। आप सभी भाई बहनों को, दोस्तों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।